खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहू देख ला, मुंह दिखाई कर लिया। ए ल्याऊ सू डट जा आई। लिया बेबे, ये सारी बैठी साड़ है। ए ल्याई डट जाओ तुम। मेरे काम हो जा से के करू। हम भी तो संभालांगे अपना। मुंह दिखाई गाल दे बहू के। ए गाल दे कंठी गले श्री तेरा दे ठाए दे। ए कंठी गालूंगी क्या ना खाई। गाल दे ले बेटी। आए के मैं गीत गात गालो गूंगी बैठी सारी तम तक। गीत भी गावांगे पहले मुंह दिखाई गाल दे। गाल ले बेबे, ये गलवा ले आराम फड़गी बू तू। मैं तो खिचड़ी धरया हूं सु इतने तो सुती बहू आई से बेबे। ए बेबे मेरे संग का बहू बहुत सुतरी आई। अपने कैसी बहू लाई से मेरे संग का। के देखा बेटा कुछ ना मा कुछ ना देखता। मेहर सिंह की माँ के कर रही है। आ गया तू। हाँ आ तो गया। मेहर सिंह नहीं आया। अरे मेहर सिंह ना आवे क्यों बाट देखे से उसकी। ना आवे क्यों कित गया। वो बुला लेके डी गलिए रागनी गाउन ई बाड़े देखी जा तू बाट उनकी। यो छोरा कति नहीं मानने। के करा भाई जिसा सह भुगतना पड़ेगा। और मारे दौरे चारा भी केस है। और ला दो गुट चा दे दे मने तू। के प्या दे आगे ना बोलती तने सारी अनसा की लागी रे से बड़का कह लखा लिया कर तू। रे जब बाल किसे की मानने जब ना मैं किसका नहीं लखा लू। बालक कित मानने से। रिमोसी। हाँ बेटा के कह था। हम चला। हाँ बेटा मेर सिंह ने तालिन दे। रिमोसी तीन दिन तो हो लिए। अरे बेटा वो भी बेउदास है। यह बात तेरी ठीक से बेटा। उसने न्यू नहीं बेरा अकबर का नगर आ जाना से चाल गया उड़ राग निगान खातेरे। बेटा थोड़ी सी बाट देख ले आ जाएगा थोड़ी बहुत आन में। देख मसी जब इतना मेरी बेबे तैयार कर दे हम चला। अच्छा बेटा लिया करूं सू तैयार। माँ ए बेटी आ गई है। ठीक से बेटी। हाँ माँ ठीक सू। बेटी भाई कड़े रह गया। माँ वो गाड़ में अपने दोस्ता की गेला रह गया। बेशरम डेड ने कति शर्म नहीं आंदी। बेरानी इस ती कदक कलाओगी। चल बेटी बैठ तू। आ बेटी बैठ। आ मेरी बेटी। हाँ बेटी और न्यू बता की माँ तेरा घर बार किसा अक्स है। बढ़िया है माँ। सासू ससुरा। हाँ वो भी बढ़िया है। अरे बटे हु किसा अक्स है माँ। माँ मारी। अरे क्यों चलानता है अड़े इसमें बेटा। माँ की बात होगी कि मैं घर खाली खाली सा लग गया है। बेटा घर तक चेयर वाली बस मजा लिया है ना। मैं नू ना कहता माँ। हाँ बेटा मैं सारी समझू सू तू के कहो ऐसा है ना। मैं तो नू कहूँ था मगर कई रुके दे लिए थे आवाज सी ना आई थी। बेटा मैं तेरी सारी बात समझ गई। देखे तड़का चौथा दिन हो जाए। हाँ। जहाँ तो बेटा बैली बू घने दिन नहीं डट्या करे वो अपना घर आ गई ना। यो तो ठीक करे माँ फिर मगा लेता जब भाई भेज दे।
अच्छा तेरे तबूज के भेजूंगी देख ले छोरे गणे चाड़े ना करे तू। रमेर संगे हाँ भाई के बात भाई इस तरह मुंह लटका रहा जुन तेरे नून के जहाज डूब गयो। अरे जहाज तो डूबे डूबे गए चीनी की बोरी भी गई। अरे तू इतना मीठे का लाड़ा तो ना था। अरे लाड़ा तो ना था वो बहू का मुंह भी ना देखा मेरे अरवा घर क्या ने भेज भी दी। ओहो साला क्या भाई तना भाभी का मुंह भी नहीं देखा। अरे मुंह देखने से पहले तो जाली ने चार आली में भाई मोटा रगड़ हो गया भाई। मेर सिंह की माँ के कर रही है के कर रही सू यो ए घर का धंधा है ना सपड़ता मेरे तत है। तू तो घर के धंधे में लगी रही है और मैं बाहर जमींदारी में लगा रहूंगा और यो जो छोरा से ना यो सुधरा ही भी नहीं। हमने तो इसका ब्याह भी करवा दिया पर यो तो फिर भी यूं का यूं। क्यों के बात होगी सी यो तो भी रागनी गाँव से कसाई रागनी गाँव से। हाँ फिर बाड़ा का चास है गाने दे तन्ने के तेरे पांपा पांदर है सह मूड मती तेरे ताई राम ने कोई अकल दी भी सह का ना दी सह वो बहु ने भी तेरे के न्यू करना सह अग मैं जिसके पल्ले बांधी सू वो डूमगिरी करे सह। अच्छा हाँ फिर के कूई मैं तू मैं ना बता मैं के कर सकूं सू। देख मेरे तो एक बात समझ में आई सह के वो मेरा यार जसबीर नहीं सह जो सूबेदार से फौज में। अच्छा हाँ 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 वो न्यू कहे था अगला त्रे मेहर सिंह ने फौज में भर्ती करा दूं। पर अपना मेहर सिंह पढ़ता गणा को न रहा फौज में क्यों कर भर्ती हो जाएगा। अरे फौज में भर्ती होने खातर गणा पढ़ा लिखा जरूरी ना हो से फौज में तो न्यू ही ले लिया घरे जे इतना पढ़ रहा होता तो कितने अफसर न लग जाए यो फौज में जान के काबिल से और उसने फौज में भर्ती करवाए जासा। लिख के तू ठीक से फौज में गए पाछे कि मैं दो पीछे की आमदन होगी और देखे इसकी रागनी पागनी भी कम हो जाएंगी। न्यू से भगवान जब मेहर सिंह आवेगा ना उसने मैं समझाऊंगा और देखे समझाइए तू भी। ठीक से मैं तो तेरी गल है इसमें बेटा मेहर सिंह। हाँ बाबू। बेटा उरे ना और मेरी बात सुन। हाँ बाबू के का था बेटा। हाँ न्यू से वो जो तेरा काका है ना जसबीर जो सूबेदार से फौज में। हाँ 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 मैंने उससे बात करी थी और बेटा मैं यूं सोच रहा हूँ कि तने फौज में भर्ती करा दूं। फौज में? हाँ बाबू पहले जो तू कह तो तेरी की बात मनाजती टाड़ी है। हाँ तो न्यू से बेटा तड़के तू अपनी तैयारी पकड़ ले। तू कह तो ले चला जाऊंगा पता लिख के तड़के इतने मैं दे दूंगा और तू सीधा अपना काका द्वारा पहुंच जा। ठीक सर बाबू। भाभी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते देवर नमस्ते। भाभी जी नु बता ठीक से आ गया हो तू। मैं तो ठीक ठाक सू तू अपनी सुना। भाभी कती ठीक तू नु बता दे ड्रेस में किसा गड्डू सू मैं सच्ची बताऊं। हाँ कती सच्ची बता दे भाभी। ई साल अगस है जणू तो शेर भेड़िया की खाल उड़ रहा है। के कह भाभी मैं समझा नहीं। देवर अंग्रेजा की दीवी वर्दी भेड़िया की खाल तक के कम से
राम राम बाबू। राम राम बेटा, मेहर सिंह आ गया, जिंता रहे। मार राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आ गया बेटा तू? हाँ माँ। है बेटा, त्रिरंग रोटी पूरी होगी? उड़ा बेटा, उड़ के करना पड़ा। माँ सांस तो ले लेने दे। हाँ बेटा, न्यू बता तू पहले मने कह देने की छुट्टी मिल ली है। माँ एक बात बता, मैं के बाज के जाऊं सु, सांझ न बता दूंगा, आड़े ना सु। ठीक सतन्यू कर, हाथ पैर मुंह धो ले, अर के मैं खा पी कर न, अर बेटा ने का कताऊंगा ते मिल लिया, अर अपने यार दोस्तां ते मिल लिया। मेहर सिंह। हाँ बाबू। बेटा यूं तो बता, तू छुट्टी कई दिन की आया से? बाबू ईब तो 10 दिन की छुट्टी से, आगे 6 महीने 5-2 महीने की छुट्टी मिल जाएंगी। अच्छा ठीक से बेटा। काका राम राम। राम राम भाई। अच्छा छुट्टी आ गया भाई। और काका ठीक सो? बतासे दिन की छुट्टी आया हूँ काका। अच्छा काका, चल। अच्छा भाई, चल। लच्छा कड़ा गए भाई। रमेर सिंह रे, आइए भाई रे। रमेर सिंह रे, अरे आजा भाई, आइए रे। बोधना मिले हैं भाई। और सुनाओ क्या हाल से? कती भाई बढ़िया हाल हो गया, तन्ने देख के कती ने हाल हो गए रे मेरे सिंह। और मेरे सिंह। हाँ भाई। तू तो मेरे रोड डाल हेगा हो गया। तन्या दिखे जरे, देखिए कती नु जमात। अरे बाल भी भाई मेरे सिंह तेरे थे भाई, उड़े सटाल तो काटा है बाल भी। हाँ भाई मेरे सिंह, एक बात बता, कितनी दूर जा रहा था भाई? कोशी जंगा थी वा भाई? मैं जा रहा था बरेली। और वह कुडेक थी भाई? नू के बूझ जो होता मैं बहुत तो लंबी थी, चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा खत्म ना हो देती। मारे कैसे तो भाई 20 गांव पार कर जा। और या तो अंग्रेजा की रेल जिसी से। और मेरे यार अंग्रेजा की रेल के हो बरेली का आगे? और सुने वो तो एक जगह हमारी ही बीड़ी पा गई, मेरा बैग अट गया, नौरा गदी लगड़ू मैं बरेली में। हाँ रा ना पाया मड़ा। हा भाई ईब के न मौका लाग गया ना, अपने भाइया ने बरेली जरूर दिखाऊंगा। तेरे बिना तो मतलब इसे बैठे रहा नहीं, तेनू मारा मैं देख के मैं कार्ड रह के आए। माँ। हाँ बेटा। एक बात कहूं था? कह बेटा। के कह था? निकू था के 10 दिन की छुट्टी आया था। बेटा मैं तेरी बात समझू सू, पर के करू मेरे बेटा, पहला सामण से। यो सामण का एक दिन रहेगा माँ? अरे मेरे बेटा यो तो 2-3 दिन तक लग गया से। अरे बेटा तेरी दादी का क्या करती, एक पहले सामण में सासू वो कठी नहीं होया करे। अरे बेटा फिर सारे साल लड़ाई माचे, मैं तेरी बात समझू मेरी माया, माड़ा मन ना कर। चल ठीक से माँ, जैसी थारी मर्जी, ले रोटी गाल दे। चल रोटी खा ले। अरे के बात से मेर सिंह, नींद नहीं आती? बाबू नींद क्यों करावे, नींद तो तन्ने खोसली मेरी। अरे तो यूं क्यों कर बोला बेटा? ठीक कहूं सु बाबू, रेल मान लाग रहा था तो लोग न्यू देखा थे जनून का दुश्मन सु, गांव में बढ़ते भाभी ने ताना मार दिया, न्यू बोली इस वर्दी में तो भेड़िए बरगा लागू सु। बेटा भाभी भूभी तो यूं है मजाक कर लिया करें। नहीं बाबू, भाभी इतनी बड़ी बात कहेगी मेरा कालजा छुल गया, मारा देश मारी धरती मारे मानस, और हम नौकरी करा तो अंग्रेजा की, उनके कहने पर अपने भाई बंधु आप गोली चलावा। बाबू मैं नौकरी छोड़ू सू, मन्ना नहीं करनी अंग्रेजा की गुलामी, नहीं करनी।
तू अंग्रेजा की गुलामी करे करे से, तू तो फौज में से। कौन सी फौज? हिंदुस्तान की फौज में, और हिंदुस्तान पर हुकूमत किसकी सा बाबू? अंग्रेजा की, अंग्रेजा की बाबू, अंग्रेजा की। तो तेरे वर्गे नौजवान न्यूए सोचन लाग गए, आज अंग्रेजा की गुलामी करे से, कल न किसी और की करनी पड़ेगी। ते तू देश की सोच बेटा, और अपनी धरती की सोच, इन बातों में मत पड़े। बाबू न्यूए तो सोच सोच कर नींद उड़गी, धर्म संकट में फंस गया सू, एक विचार मन में आवश्यक, नौकरी छोड़ दू। नौकरी छोड़ दू, नौकरी छोड़ दू, और अरे डूमा की तरह कुल्ले मटकाया करेगा। रत्र जो बीमारी से मैं जानू सू, अपने साथियों ते मिलके आया होगा, इससे बात का मारा तो तू फौज में भर्ती कराया था। जय तने इब के नौकरी छोड़न की बात कही ते तू अपने बाबू का मरिया मुंह देखेगा। ना बाबू इसी बात ना करे, जब तू कैसे तो मैं नौकरी कोने छोड़ू बाबू, कोने छोड़ू। अच्छा माँ चल लू सू। बेटा तेरे बाबू ने ताले नहीं देता, वो तने स्टेशन पर छोड़े आता। ना माँ मैं चला जाऊंगा। अच्छा तो बेटा न्यू करिए, अपने ससुराल दौरे का जाओगा तू, उड़ो भी फेट जाइए, राजी खुशी का बेरा ले जाइए, अरे मिलता चला जाइए बेटा, ठीक से माँ। अरे बेटा अपने जाए की मन की बात माँ ना समझेगी तो और कौन समझेगा, मैं तेरी सारी समझू सू मेरे बेटा। अरे बेटा अपने सासू ने अपने ससुरे ने मारी राम राम दे दिए। ठीक से माँ मैं चल लू हुई है, राम राम। राम राम रिश्तेदार। राम राम जी। राम राम। आइए बैठे, कई दिन की छुट्टी आया? बस छुट्टी तो 10 दिन की आया था, जहाँ हुई तो। अच्छा ले तो मैं एक बार भीतर बताया हूँ। मारी ए माँ। हाँ भाई क्यों चिल्लाता हो है, के बात हुई? माता के तोड़ में जा रही है, मन बता के बात है। बेबे दूध गाल दे, मैं माना रहा सर। दूध गाल दू, मैं माना रहा है? कौन मैं माना रहा सर? वो ना बुरोने का वो गनिया रहा है। अरे बेशरम झेड़े, तेरे शर्म नहीं आती? मेरे के लासी करे की तू अपने जीजा ने जानता नहीं। अच्छा बेबे गलती होगी, ले गाल दे दूध। ठीक से भाई गालू दूध। ले रिश्तेदार दूध पी ले। घर परिवार सब ठीक से? ठीक ठाक है। नमस्ते जी। बेटा नमस्ते, आ गया? हाँ आ गया जी। बहुत बढ़िया, कई दिन की छुट्टी आया से? जी छुट्टी तो 10 दिन की आया था, बस आज शाम न जाना था, मखाले फेटा हूँ एक बार जाकर न। अच्छा बहुत बढ़िया करे। आ रहे? हाँ बाबू। रिश्तेदार आ रहा, तेरा अकल पर पत्थर पड़ रहा से, कम से कम खाट बिछा देनी थी। रहने दो जी, रहने दो रहने दो, मैं तो बस चालू हूँ, टाइम हो रहा है मेरा। ना बेटा चल ले किस तरह, ईब तो तू आया सब बता, ईसा तावड़ा चाल पड़ेगा ना, आज आज तो रुक कम से कम। जा रहे जा बेटा, तू अपनी मां ने बुला के ला। ठीक से बाबू, यो ले आया। अच्छा बेटा एक बात से। हाँ जी। तो सांझ वाली गाड़ी जागा ने? जी जाना तो सांझ वाली गाड़ी तो इसे। बेटा एक बात बता। हाँ जी। थारी रंग रोटी तो बरेली होती होगी ना? हाँ जी रंग रोटी तो बरेली में हुई थी। बहुत बढ़िया। अच्छा ईब ड्यूटी कितना लग गई तेरी? जी ड्यूटी तो बेराना कड़ा लग गई, गुप्त रखी गई से बात, सीधा रेल में बैठाओगे, अफसर रेल में बताओगा कड़ेगी ड्यूटी से। नमस्ते जी। जीता रहे बेटा, सब ठीक ठाक से बेटा? हाँ जी सब राजी खुशी से। कौन बा राजी से? हाँ जी सब। अच्छा भगवान बात सुने, बटेऊ ने जाना से
तू रोटी पानी की तैयारी कर ले। बेटा आए ने तो वार ना होई और तने जान का भी तकाजा लग गया। ईसा से सरकारी काम से और तू समझे से अग भाई सरकारी काम पे तो टेम पे जाना पड़ेगा। इसमें समझन की के बात, आज तो इसने आड़ा ही डटना पड़ेगा। डाटा ड्यूटी पाछे कर लिए, पहले के मैं रोटी पानी का प्रबंध कर, बटेऊ की सेवा पानी करवा। ठीक से आए बेटी। हाँ माँ, की बात हुई, की कहे? डटेगा कि जागा? बेटी तेरा बाबू तो न्यू कैसे है कि बटेऊ तो जागा ही उल्टा, तू तावड़ी तावड़ी रोटी टुक्का बना ले। अच्छा माँ। न्यू क्यों कर जागा जीजा, मैं जान दियो सू, मैं डांट लियूंगी। ए तू जब डांटेगी ना, जब तेरा बाबू उसने डटन देगा, जड़ में गड्ढा खुट्टे की डाला। बटेऊ शर्मांदा कुछ बोल ले कोन्या। माँ उसने बुला के ने बुझे ने इसा तोड़ा उल्टा क्यों जावे है? ए बेटी रोटियां के टाइम बुझूंगी, ईप तो तेरे बाबू की ये बात ना समझे। ठीक से माँ, पर बुझ लिए जरूर। ठीक से बेटा। हाँ माँ। तेरे बाबू ने खंदाई है एक बे? ठीक से माँ, बुला गया हूँ। बाबू एक बार घरां बुलाओ है। बेटा आड़े रे, मैं यो आया। चल आ के कहे थी के आग कहूं थी, मीठा साफ पड़ रहा से तू जाके मीठा लिया। मैं लियाऊ रे छोरा ने भेज देने ना दिखे तू ए लिया। बटेऊ शर्मा वैसे वो तेरे दोरे की मैं कोन्या बोले और छोरे दोरे बतड़ा लेगा थोड़ा। ले भगवान त्रिया सलास है तो मैं जास हूं बस। ए गुड्डी जात्रे जीजा ने बुला लिया, रोटी पानी खा लेगा। पर मां मीठा मीठा आड़े से मन तो तेरा बाबू डगाना था। ईब लाई बुला के राम राम जीजा। नमस्ते, तेरी तो दो बे। चल जीजा रोटी खा ले। हाँ चल। जीजा रोटी खा ले। लिया धर दे। जनून कम से तू आंगली डबो दे, नून की कमी पूरी हो जाएगी। और गुठा डबो दू तो तू गुठा डबो देगी तो जमा मीठी खांड वर्गी नहीं हो जाएगी। खांड मैंने धर रखी रे। खाले खाले घड़ी बात ना मारा करते। जा तो रोटी लिया। जा इनके लखे लमना चक खा लिए रोटी को दे भूखा जा। ना 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 चक तो मैं तन्ने देख कर लिया। आए डटे बिगी रोटी खान देगी कि न्यू बक बक करेगी। जीजा और लाऊं रोटी? ना जी बस बस मैं तो चक लिया। तो फिर धोले हाथ। हाँ। धोले मुंह भी धो लिया तने ते। हे जीजा नौका आया था। अच्छा रहन दे छोरी, घने मजाक अच्छे नहीं है। जा मां तू भीतर जा। जा ले चल ले गने जीजा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तन्ने जरूर ले चलूंगा। होलू तैयार? हाँ जा तैयार हो ले। बेटा
बुरा मत मानिए, यह छोरी इसी है। ना जी, बुरा के मानना था, साड़ी सोड़ी मजाक मजूक कराए करें तो ठीक से। तो बेटा ठीक सोके? हाँ ठीक तो सोए। आज आज डट जाओ ने। ना डटा के जाओ है, जाना पड़ेगा। मेरे तो अच्छी नौकरी से। हाय तेरे तो अच्छा जी भी कोने। रहन दे, क्यों बकवास है? तो के छाती पाड़ के दिखाऊं? रहन दे, घनी मस्करी ना करे। साच कहूं, मस्करी नहीं है। हाय घनी हंसी आवे है के? दिल तो बताऊं, मन तो इसी लग गए, देखती इसी। अच्छा इसी इसी तो मैं भी जानू सो। चिट्ठी लिखते रही हो? चिट्ठी के अपना कार्जा काट के भेज दूंगा। बेटा खाली रोटी? हाँ जी खाली जी। अच्छा जी इब मैं चालू हूँ। बेटा आ जाता, रुक जाता। इब मत रोक के जान दे और देखे बात सुने। भगवान वो जो लुगाइया का के मैं सुन सामन सा होश है वो कर ले तू अपना, क्यों के मैं साध नहीं था होगा पाछे। आप सबको पता है कि फौज के लिए जंगल कैंप कितना जरूरी है। आप सब जानते हो जितना पसीना ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना खून लड़ाई में बचाएंगे। जवानों मेहनत से जंगल कैंप कीजिए और अपने हथियार की हिफाजत, अपने एमिनेशन की हिफाजत और डिसिप्लिन से रहेंगे, ठीक है? कोई शक? नो सर। पिच साला। तो ऑफिसर 15 जवान परेड पे हाजिर हैं श्रीमान। ओके परेड वैश्रम। जवानों तुम लोग तो जानता है जंगल कैंप का मतलब होता है बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, एनी प्रॉब्लम एंड बी केयरफुल अबाउट योर एनिमेशन, एनी प्रॉब्लम। अंदर मेजर मार्च कर। Thank you.
माँ राम राम। ए बेटा राम राम आ क्या तू? के बात होगी माँ? ए बेटा न्यू कुकर लॉटरी है। ए बैठ बेटा, ए के लॉटरी सु बेटा बूढ़े आड़ से काम तो बनता कौन है? देख तू ही आ गया सा बेटा, न्यू कर दूध घाल के कटावनी मत है। हाँ। पी ले बेटा, बहु ने लिया जाकर तावड़ा सा। ठीक समा, तू न्यू बता। हाँ। कै दिन की छुट्टी आया? माँ 2 महीने की छुट्टी आया हूँ। बेटा न्यू कर। हाँ। कटावनी मत, दूध घाल के पी ले बेटा, बहु ने लिया। देख मेरी तकतियासंग नहीं, गोटे टूटे पड़े से बेटा मेरे ते। ठीक से माँ। ठीक से बेटा, मैं दूध दाद पी के तैयार होकर चला जाऊँ। थोड़ा जा, देख बस का टाइम भी हो रहा है, आराम कर ले माँ। अच्छा बेटा जा। राम राम जी। ओहो राम राम बेटा, राम राम। आ जा ले तेरा सर पुचकारू। और जी ठीक ठाक सो? हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अपनी सुना। राजी खुशी जी सब। अच्छा रा छोरा बात सुने। हाँ बाबू। बेटा जा दूध ले किया बटे हुआ रहा से। यो ले बाबू तो लोए। अच्छा बेटा और सुना, कै दिन की छुट्टी आ गया? जी छुट्टी तो 2 महीने की मिली है, पर बेराना कद से बुलावा आ जाए, ऐसा ही टाइम चल रहा है आजकल बॉर्डर पे। अच्छा बेटा आज तो रुकेगा ना? जी जाना पड़ेगा आज। जाए जाना पड़ेगा? हाँ जी। तो प्रेम कौर ने लेके जाओगे? जी आया तो नुए था के ले जाऊंगा, घर माँ भी दुखी ही हो रही है कि मैं काम कुम संभाल देगी तो ठीक रहेगा। ठीक से तो कोई बात नहीं। सिंह। हाँ बाबू। आ गया बेटा। हाँ बाबू आ गया। बेटा मेहर सिंह तू एक काम कर, या नौकरी छोड़ दे बाबू और अपना जमींदारा संभाल दे। यह बात के कहने लग रहा है बाबू, उस दिन तो तू नूका था अगर बेटा नौकरी मत छोड़ दे, आज तू न्यू कुकर का है कि नौकरी छोड़ दे। बेटा या नौकरी जा भाड़ में, इसी नौकरी का के फायदा जो एक पल भी चैन की सांस ना लेने। इसी के बात होगी बाबू। बेटा डाकिया आया था और यो तार दे गया से। तार? मने उसने बुझा भी अकरे इसमें के लिख रखा से? न्यू बोला ताऊ इमरजेंसी लाग रही है और सारे जवान वापस बुलाए। के कसे मेर सिंह के बाबू तू इस तार का आग ला दे, मैं कोने जान दू अपने बेटे ने क साल मत आज बू न लेकर असर आज इतना अंत तार दिखा दिया। बेटा मैं कोने जान दू तो नहीं, इसी नौकरी बाढ़ में जावे। माँ
बाबू किसी बात करो सो तुम हिसाब बुलाओ तो किस्मत आड़ा के घर आया करे से ना बेटा बस मैं नहीं जान दू तो ना आड़ाई अपना घर रहने खेती कर बस तू आड़ाई मां जब सारी मां अपने बेटा ने न्यूए रोकन लग गई तो अपने देश की रक्षा कौन करेगा मने जाना होगा मां और मने खुशी जब होगी जब तुम मने हंसकर विदा करोगी बेटा आज तेरी बात सुनकर तेरे बाबू की छाती चोड़ी होगी शाबाश बेटा शाबाश मेहर सिंह की मां मैं मेहर सिंह खातिर कुछ सामान ले आऊं सू बाजार में जो यू ले जाएगा अपनी गेला ठीक से मेहर सिंह के बाबू तू सामान लिया और मैं इतने बार डांगर डोरान संभाल आऊं सू गैर मजाक ने बावली रो क्यों से रो ना तो और क्या करूं मैंने आप ही बेटा की सरिया देख भी नहीं लियो और अब जान की बात कर रहे हो फुर्सा सदा खातर जाऊं सु थोड़े दिन मैं उल्टा आ लूंगा रो ना और भगवान रो ना देखते ना रोम तीने देख के मेरा भी माड़ा मन हुआ ओ है मन माड़ा तारा तेरा जी होगे मैंने जाना है बावली जाना तो पड़ेगा देश की रक्षा का यह जिम्मा ठाया है तो निभाना तो पड़ेगा बावली अच्छा परदेसाने जासू गोरी दिल अपने ने थाम लिए इसी रकम की चाना कोन्या मत जाने का नाम लिए परदेसाने जासू गोरी
दिल अपने ने थाम लिए। इसी रकम की चाना कोन्या मत जाने का नाम लिए। परदेसाने जासू गोरी जिंदगी राम हवाले। क्यों कर जिंदगी राम हवाले तू चाहवे जितने दाम लिए। तेरे दामाने के फूकूंगी खिंड जो बन के आम लिए। परदेसाने जासू दिल ना समझाया जाते आपे हो बदनाम लिए। मेरी बात में फर्क मिले तो तार बदन का चाम लिए। परदेसाने जासू गोरी कसाई से। मेरी बात का ख्याल करे ते मेरी बात का ख्याल करे ते इश्क के गेर लगाम लिए। किसने ले गोदी मैं सों के बेटा बेटी जाम लिए। परदेसाने जासू गोरी तुरत काली प्याजी
कोट मेरा कोन्या थाली बैठ के दुख भोगे सुख होया करे से दुख भोगे सुख होया करे तू भी पाछे भोग आराम लिए भोज में जा कह के करना से ढूंढ अड़े कोई काम लिए परदेसा ने जासू गोरी प्रेम कौर भगवान इसी ना करे जो मैं उल्टा ना आऊं और जब बखत की मार तेरे ऊपर पड़ जा तो मेरे छोटे भाई से उनने बेटा समझ के पाड़ लिए वे दो नन्नी मूरत तेरी जिंदगी का सहारा बन जाएंगे। इसी बात ना करो जी, इसी बात ना करो, भगवान इसी करे क्यूँगा, और जब मेरी मानो तो आप यह नौकरी छोड़ दो। नहीं प्रेम कौर, तेरा साजन मेहर सिंह जाट है, वो कमजोर सिपाही नहीं जो अपनी पत्नी की आंखें मासू देख कर अपनी धरती माँ के फर्ज न भूल जा। मैं अपने फर्ज नहीं बांध दे कद ना टूसू, पर मेरी काना भी देख लो, मेरा भी कुछ ख्याल करो। हाय तेरे का नहीं देखते तो मेरा घीसा गल जासे। रहन दो, गणा मक्खन मत लगाओ। साची कहूं सुन, अरे एक बात और बताऊं, किसे तब बताइए मत ना, तेरी फोटो तो मैंने दिल में बसा ली, जब भी फुर्सत में लगी तेरी गेला बतला लिया करूंगा। ई बांस दे हासे के जावे है, अब जाओ और सुनो चिट्ठी लिखते रहियो, मैं भी लिखा करूंगा और तू भी लिख दिया करिए। अच्छा तो जाटनी राम राम। सुनो सुनो, इतना जान का तका चला गया, पहला मान तो आलन दो ना, इब तो जाऊं मैं सु ना तो माँ भी रोया पिट्टी करेगी, अरे इब तने एक बात बता दूं, पाछे तो ना बोलिए मने। अरे बेटा। हाँ माँ। तू चाल पड़ा? हाँ माँ। बिना ही मिलने जा था बेटा, मना घरा तालन देता। माँ मैंने सोचू था मन वार होने लाग रही से, और माँ तो मिल लिया था, इस करके बस का भी टाइम हो रहा था, जहाँ तो लेकर लिया था। अरे बेटा तू तेरे बाबू तो ना मिल लिया, सही बता, ले यो तेरे बाबू भी आ गया। मेहर सिंह। हाँ बाबू। बेटा तू चाल पड़ा, मैं तो सामान लेके भी इतना घरा ना आने दिया, पहले मैं चाल पड़ा तू। बाबू इब तो मन वार हो से, मैं जांसू और तुम मन आशीर्वाद दो, मैं देश की खातर अपना फर्ज निभा सकूं। बेटा माँ बाप का आशीर्वाद तो अपने औलाद के साथ हो या करे। ठीक है से बेटा तेरा बाबू, बेटा अपना ख्याल रखिए, और देखे पहुंचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख दिए, और देखे मेरे दूध न मत ले जाका ये बेटा। अच्छा माँ तू चिंता मत करे, अच्छा मैं चालू माँ। ठीक से बेटा चल।
छोरो पाट रहा कति चाड़ा से अरे नेफा
जाहिन साहब। हाँ जवानों, सब ठीक है? जी साहब। कोई टेंशन तो नहीं? नहीं साहब। सर, लेफ्टिनेंट, अपने जवानों को तैयार रखो, किसी भी वक्त हमें ऑर्डर मिल सकते हैं। सामने वाले पॉइंट की तरफ पेट्रोलिंग लगातार होनी चाहिए, अगर हम पर अटैक होगा तो उस तरफ से ही होगा। डोंट वरी सर, हम पूरी तरह तैयार हैं। छेचन, आजकल सुभाष की बहुत चर्चा है, चारों तरफ जयकार हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारा जवान उसकी तरफ पड़ता हो? अरे नहीं साहब, मैं पूरी प्लाटन पर निगाह रखता हूँ, मजाल है कोई एक भी बंदा इधर से उधर हो जाए, फिर मैं भी तो आपकी तरह इंग्लिश मैन हूँ। अरे वाह जयचंद, हम तुम पर ही तो विश्वास करता है पूरी प्लाटन में। मैं कौन सा आपका विश्वास तोड़ता हूँ सर। अरे वाह जयचंद, ध्यान रखना पूरा। ओके वेरी गुड। वो साला उसका चमचा। देवा सिंह, किसकी बात कर रहा है? उस जयचंद की बात कर रहा सुन। ये साले जितने भी जयचंद हुए से सारे गद्दार क्यों से? हम कौन से वफादार सा, हम भी तो गद्दारी कर रहे सा। इन अंग्रेजा के झंडे तले हमने अपने भाई बंधु आप गोली चलानी पड़ रही से। के कहे मेर सिंह? मैं सच कह रहा हूँ, मारा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि हमारे देश की लड़ाई लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के सिपाही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई से, जो हिंदुस्तान आजाद करवाने खातर लड़ेगी, और हमने उस फौज का सामना करना पड़ेगा। यह सारी खबर पक्की से? हाँ, वो जयचंद साला दो घूट मार के मेरा आग कह रहा था कि वाटसन ने उसका आग सारी बात बताई सी। हाय जवानों, सब लोग ठीक है? यस सर। किसी का कोई प्रॉब्लम? नो सर। बड़ी मस्ती के मूड में लग रहे हो? यस सर। अरे वाह, खाना खा लिया? यस सर। तो क्या किया जाए तुम्हारे लिए, एंटरटेनमेंट किया जाए? यस सर। अरे मेशंग। सर। अरे सुना, तुम बहुत अच्छा गाता है सर, खाना सुनाओ इन बच्चों के लिए। ओके सर। वेरी गुड, क्या खूब है साहब। पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई, आवे याद लुगाई। नीचे चले टैंक कैरियर ऊपर झज हवाई, मुदे पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई, आवे याद लुगाई। लग्यायु माया तन में बरती जाके हो गया छोरो, मैं से तीस के सन में, मैं से तीस के सन में। छह महीने तक करी ट्रेनिंग पास होया कुछ दिन में, दस दिन की मन छुट्टी मिलगी, चाव चढ़ा था मन में, चाव चढ़ा था मन में। रंग रोटी की छुट्टी आया रे 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 रे, रंग रोटी की छुट्टी आया मेरी घरा बहु ना पाई, मुदे पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई, आवे याद लुगाई। भाभी
छुट्टी आया तेरे आवन का पता लग्या मेरे दिल में लग्या यो माया दिल में लग्या यो माया मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर मेरी खातिर के लाया मैं बोलया कित प्रेम कोर समय कति नहीं शरमाया कति नहीं शरमाया तू के मोटे मोटे नैना के मा हे रे 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 मोटे मोटे नैना के मा गली गजब की स्याही मुदे पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई आवे याद लुगाई थोड़ी दन लकड़ा जब पीड़ी पाटी मन बहलड़ी जोड़ी मन बहलड़ी जोड़ी आगे जा मेरी सास लड़ी तकदीर राम ने फोड़ी बागायाला करे सवारिया बनायुला हंडी गोड़ी बनायुला हंडी गोड़ी छोड़ के बरती हो गया रे 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 बहू ने छोड़ के बरती हो गया किसा बेकूफ जमाई मुदे पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई आवे याद लुगाई छोरो गया बैठ बहू के जड़ में बड़ी मुश्किल घूंघट खुलवाया मार के गोडा कड़ में मार के गोडा कड़े में केले कैसा का तहूर का लच के लाग दड़ में आता जाता सांस दिख जा भूरे भूरे दड़ में भूरे भूरे दड़ में मेरे सिंह ने तंबू के मा रे 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 मेरे सिंह ने तंबू के मा चारों कली बनाई मुदे पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई आवे याद लुगाई।